नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक केस स्टडी पे चर्चा करेंगे। जो लोग मेरे फेसबुक ग्रुप में हैं, टेलीग्राम ग्रुप में हैं, तो मैंने एक फोटो डाला हुआ था। ये मेरे क्लाइंट हैं जिनका बर्थ डिटेल्स है, ऑस्ट्रेलिया में इनको PR मिला है। तो वही केस स्टडियाँ अभी डाल रहा हूँ कि आप सभी जो लोग एस्ट्रो वास्तु सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जब मेरे पास ये कुंडली आई, इनका क्वेश्चन नहीं, डिमांड नहीं कहें, क्वेश्चन क्या, चूंकि इनका यही था कि मुझे PR चाहिए बस। तो इसमें कहीं अब वो प्रिडिक्शन वाली बात ही खत्म हो जाती है। काफी दिन से ट्राई कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में ही थे, कहीं कोई समस्या की बात नहीं, ऐसा भी इनके ये क्वेश्चन नहीं, देखिए क्या समस्या आ रही है, क्या करूं, नहीं, सीधा PR चाहिए। अब इसमें आप क्या रेमेडी दे सकते हैं, यानी बात रेमेडी पे चली गई। जब भी बात रेमेडी की होती है, तो इस स्थिति में एस्ट्रो वास्तु, और मैंने कुछ और काफी रिसर्चेस किए हैं, ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु, ये रेमेडीज काफी इफेक्टिव होती है। और खासकर वैसी स्थिति में जब क्लाइंट ज्योतिष की जो सामान्य ट्रेडिशनल रेमेडीज होती हैं उसको नहीं कर पाता, या उसका अपना सबकॉन्शियस लेवल उस रेमेडी को एक्सेप्ट करने के लिए अलाउ नहीं करता। क्योंकि जब भी कोई रेमेडी आप एक तरह से, मैं क्या बताऊं, दिन काटने समझ लीजिए, एक प्रोसीजर पूरा करने के वे में जब आप करते हैं, तो फिर उससे कोई इफेक्ट आपको नहीं मिलता। तो ये खुद ऑस्ट्रेलिया में ही थे, तो इनको PR चाहिए था। एक बात आप ध्यान से समझेंगे, जनरली जब PR की बात आती है तो कुंडली का 12वां भाव परमानेंट रेसिडेंट होता है, वो उनको चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, नागरिकता के समान ही है। पहला स्टेप वो आ गया कि उनको वहां का परमानेंट रेसिडेंस मिल गया। तो फिर वो मिलने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें नौकरी सबसे मेन में आ जाती है, यानी आपके पास वहां नौकरी होना चाहिए, या ये कहें अच्छी नौकरी के लिए PR होना चाहिए, सबसे क्रूशियल पॉइंट है। यानी जब तक आपको PR नहीं मिलता, कोई भी अच्छी कंपनी आपको नौकरी नहीं देती है। कुछ मुझे जानकारी भी थी, बाकी इनसे जो डिस्कशन हुआ तो इन्होंने बताया, मैक्सिमम जो इंडिया के बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने, पार्ट टाइम में वो टैक्सी चलाते हैं, ये भी चलाते थे। अब अच्छी कंपनी में नौकरी मिलने के लिए PR जरूरी थी। काफी दिन से इनका कोशिश था, नहीं मिल पा रहा था। सबसे पहले थोड़ा सा मैं KP का सेक्शन यहाँ बताऊंगा आपको कि क्या इनकी कुंडली में विदेश के लिए योग है। आइए सबसे पहले हमें दो पॉइंट पे अपना फोकस करना होता है, लग्न का सब लॉर्ड, 12th का सब लॉर्ड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इनकी कुंडली में 3, 4, 6, 10, 12 का सब लॉर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, 4, 6, 10, 12 का, यानी मर्क्यूरी में 12 नंबर आ गया। लग्न का सब लॉर्ड जो सूर्य है, यहाँ देखेंगे 12 नंबर आ गया, 6 के साथ 12, विदेश भी आया, नौकरी भी आया, 6, 11 पैसा भी आया, 4 नंबर भी आना जाना भी रहेगा अपनी कंट्री से, वहीं यहाँ भी मिला 12 नंबर स्ट्रॉन्गली, 6, 10 कार्य व्यापार प्रोफेशन, 3 नंबर घर से दूर, तो ये पूरे नंबर्स कंप्लीटली यहाँ पे मिल गए। ज्यादा व्यायाम ये विश्लेषण के डिस्क्रिप्टिव पार्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी विदेश में है, योग था तभी है, योग यहाँ को दिख रहा है, 12th का सब लॉर्ड 3 और 12 का भी बना हुआ है, तो फिर यहाँ कुछ अब इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब है PR के लिए क्या किया मैंने, क्या प्रॉब्लम थी, आइए मैं आपको यहाँ से इस कुंडली पे दिखाता हूँ। वर्तमान में दशा देख लीजिए क्या है, वर्तमान में दशा इनकी राहु की, अंतरदशा शनि की,
और प्रत्यंतर दशा जुपिटर की, 2-3 दिन पहले इनका मेरे पास वो पीआरओ के लेटर का जो ईमेल आया था तो उसका स्क्रीनशॉट इन्होंने मुझे भेजा था, जो मैंने अपने ग्रुप में डाला था, यानी 19 तारीख के आसपास में, शायद 19 या 20 को मैंने डाला था, तो 19 या 20 जून की बात है। तो अभी प्रत्यंतर में जुपिटर ही, तो मुझे ये चेक करना था राहु शनि और जुपिटर कोई प्रॉब्लम तो नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात, जब आप राहु को चेक करेंगे तो राहु का 90 डिग्री का हिट 11th हाउस पे था, और शनि का, यहां जो सैटर्न है, इसका 180 का हिट 6th हाउस पे था। अब यहां तो 12वें भाव से कोई मतलब ही नहीं हुआ, समझ में आ सकती है सीधी सी बात, विदेश 12th हाउस, हम बात कर रहे हैं 6 और 11 का, समझिए ध्यान से, बंदा ऑलरेडी विदेश में है, हमें 12वें की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। अब वहां से उसे अपने विश फुलफिलमेंट को कराने की आवश्यकता है, तो 11वां भाव काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर? पीआर लेने का मोटिव क्या है? नौकरी, अच्छी नौकरी, क्योंकि टैक्स चलाता है, तो 6th हाउस। तो हमने इन दोनों हीट को तोड़ा। एक बात जो मैं यहां बता रहा हूं, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु का क्रक्स ही समझिए एक तरह से, हर एक कुंडली आपके लिए चैलेंज है और आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। कॉपी करके किसी को भी आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, वास्तु कंसल्टेंट नहीं बन सकते, इस बात का ध्यान रखिए। सिर्फ ट्रेडिशनल जो ये कॉन्सेप्ट है, या ऐसा हमने सीखा है, या ऐसा सिखाया गया है, इससे एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंसेस नहीं होती। दूसरी एक बात, चूंकि मुझे इनको रिजल्ट देना था, तो मेरे पास जितनी नॉलेज है वो मैं सब अप्लाई करूंगा। 45 इनर्जी फील्ड, 45 देवता वास्तु में होते हैं, आप सबको पता है, और बहुत अच्छा काम करते हैं जब हम एस्ट्रोलॉजिकली उनका प्रयोग करते हैं। ये एक नया अनुभव इस केस में हुआ, उनके घर का फोटो मंगाया मैंने, मैप नहीं, मैप उनके पास नहीं था, पहली बात, मैप नहीं मंगाया मैंने। दूसरी, वो शेयर्ड रूम में रहते थे, मतलब और भी उनके 2-3 पार्टनर्स थे, तो इस स्थिति में कहीं उनको कुछ आपत्ति हो जाती, बाकी जो चेंजेस ये 5 एलिमेंट्स या बाकी दूसरी चीजों, ये चेंजेस करो या वो करो, कहीं उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर ये उस चीज में नहीं पढ़ना चाहते थे, तो हमने उसे छोड़ दिया। अब 45 एनर्जी फील्ड का काम हम कैसे करते? व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉलिंग की गई, और डोजिंग के थ्रू मैंने जया एनर्जी फील्ड को मार्क किया, जया एनर्जी फील्ड, फोटो से भी देखा और डोजिंग से भी, उस जगह को मैंने इनको बताया, और वहां एक ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी थी, वो मैंने इनको बोली कि इसे आप वहां कर दो, जब तक आपका काम ना हो तब तक उसको करना है, यानी 21 डेज का उसका पीरियड था, उस बीच में उसे पूरा करना था। अब हो सकता है आपके मन में आ जाए कि कैसे ऐसा पॉसिबल है कि व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू और घर की फोटो मंगा के इनर्जी फील्ड को फाइंड आउट किया जा सकता है। मैं आपकी इस बात को मानता हूं, पॉसिबिलिटीज हैं, गलती हो सकती थी, लेकिन रिजल्ट मिला, मेरा अपना मानना है, रिजल्ट मिल जाए तो वो रेमेडी सही है, रिजल्ट ना मिले इसका मतलब वो रेमेडी गलत नहीं है, बस उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सुटेबल नहीं है।
लेकिन कोई साइड इफेक्ट हो गया, क्लाइंट के साथ कुछ गलत हो गया, तो वो रेमेडी गलत है। तो मेरे अपने पॉइंट से जो हमने ये दो हीट को तोड़ा और जो जया इनर्जी फील्ड को वहां एक्टिवेट कराया, इसका मतलब ये भी सही था और जया का जो हमने उसको फाइंड आउट किया था वो प्रोसेस भी यहाँ सही था, और उनको ऑलमोस्ट 25 से 28 दिन में उनको रिजल्ट मिल गया। एक्यूरेट मैं आपको बता ही देता हूँ उन्होंने कब मुझे कांटेक्ट किया था, ये मेरे व्हाट्सएप में उनका है। ये उनका मैसेज था 28 मई को और 19 जून को उनका आ गया, यानी 21 दिन, 21 या 22 दिन लगे थे और उनको पीआर मिल गया। सिंपल सा स्टेप देखने में लग रहा है, लेकिन काफी एक इंटरेस्टिंग कहें और क्रिएटिव ये केस स्टडी था। आप लोग भी यदि इस एस्ट्रो वास्तु फील्ड में हैं तो कोशिश कीजिए, सीखिए, अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़िए। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ ऐसे ही केस स्टडीज के साथ।